तो ये है दोस्तों Realme का C21Y और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, अनबॉक्सिंग, गेमिंग रिव्यू, डुअल 4G OTG वगैरह सब कुछ आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, और इसके बारे में और क्या कुछ रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसका UI में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, बेसिकली अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो किस तरह फोन को यूज करने वाले, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज जो कि पहली बार अगर आप Realme का फोन यूज कर रहे हैं तो वो आपको जानने का चाहिए, तो वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो C21Y है ये बाकी जो Realme का फ़ोन है उनसे थोड़ा इसका UI अलग है, तो इससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी किस तरह क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको जानना है कि Realme C21Y को किस तरह ऑपरेट करना है, इन सब के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि बताया कि आज इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरह क्या कुछ आप इसको ऑपरेट करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले तो हम ब्राइटनेस को थोड़ा पहले तो वाईफाई को ऑफ कर देता हूं और ब्राइटनेस को थोड़ा यहां पे मैं डाउन कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम इसी तरह स्टार्टिंग यहां से हम करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे आप टॉच करेंगे, पहले क्या होता था Realme UI में सिंपली इस तरह करने में यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता था ऑप्शन, लेकिन ये जैसे कि बताया ये Realme का स्पेशल UI इस फोन में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या कुछ देखने को मिलता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो ये देखिए आपको ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाता है, होम सेटिंग, विजेट्स एंड वॉलपेपर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वॉलपेपर को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको वॉलपेपर चाहिए आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइव वॉलपेपर सेक्टर, फोटो वॉलपेपर, ये सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे और एक बार चूज करते हैं तो यहाँ पे विजेट्स आता है, विजेट्स उसी क्या होता है ये देखिए यहाँ पे जो वेडनेसडे सेप्टेम्बर 8 27 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ पे बैंगलोर पे है, तो ये जो दिखा रहा है इसको विजेट्स बोलते हैं। अब तरह तरह के विजेट्स होता है, कैलेंडर के लिए होता है, कैलकुलेटर के लिए होता है, बहुत सारे ऐप जो यूज करें उनका भी शॉर्टकट विजेट्स यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो वो बेसिकली आप विजेट्स पर क्लिक करके रख सकते हैं। और कितना साइज का चाहिए, मान लीजिए इतना लंबा चाहिए, इतना छोटा चाहिए, जो चाहिए आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे होम सेटिंग, होम सेटिंग में आपको ये देखिए एड ऐप आइकॉन ऑन होम स्क्रीन ये आप सेट कर सकते हैं, और इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो कोई आइकन आप ऐड नहीं कर सकते होम स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे जो आप कोई भी ऐड जो ये आइकन तो ऑलरेडी है यहाँ पे आप दूसरा आप ऐड आइकन नहीं कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, तो वो आप कर सकते हैं किस तरह का आपको रोटेशन चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि जो होम स्क्रीन है वो रोटेट होता जाएगा वो आप कर सकते हैं। पुल डाउन एक्शन ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डू नथिंग सो नोटिफिकेशन, यानी कि जो इस तरह करने पे जो नोटिफिकेशन आता है वो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, और सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया गया, अगर आप यही सेम अगर आप पिछले कोई भी Realme फ़ोन यूज़ करते तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये ज़्यादातर मैं जहाँ तक यूज़ किया मुझे जहाँ तक लगता है ये ज़्यादातर स्टॉक एंड्रॉइड के आसपास रखा गया है, इसलिए ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। अब हम सीधे चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है बारी बारी करके सब बता देता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट ये मैं ऑलरेडी डुअल 4G मल्टी टेस्ट में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं नेटवर्क इंटरनेट के बारे में नहीं बताऊंगा। कनेक्टेड डिवाइस क्या कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ में पेयर करने के लिए ये सब आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद जाते हैं ऐप नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको रिसेंट ऐप क्या है और नोटिफिकेशन क्या है, परमिशन देना है तो वो यहाँ परमिशन मैनेजर दिया गया। मान लीजिए आप चाहते कि कोई भी ऐप व्हाट्सएप हो जाए तो उसको जितने भी कोई चीज़ है परमिशन देना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में क्या कुछ आप परमिशन देते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कौन सा परमिशन व्हाट्सएप को चाहिए, या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड किए हैं, मान लीजिए कोई ऐप ऐसे डाउनलोड किए हैं जो कि सिर्फ आपका फ़ोन का कैलकुलेटिंग वगैरह या नोट को वो यूज करना चाहता है, लेकिन वो परमिशन मांग रहा है आपको, आपका फ़ोन स्टोरेज, कॉन्टैक्ट स्कैनिंग ये सब का मांग रहा है, तो उस वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट का क्या जरूरत है, तो यहाँ पे अगर चाहें तो वो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, नहीं हम आपको अलाउ नहीं देते, तुम जो काम जितना दिया गया है उतना करो, उसी हिसाब से आप रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ पे परमिशन मैनेजर दिया गया है, तो ये आपको ऐप नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जाते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले में ब्राइटनेस लेवल कितना है जो कि मैं अभी सेट किया था आपको दिखाने के लिए 31% में है। डार्क थीम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करते ही ये हो जाएगा डार्क, आप जैसे कि देख सकते हैं डार्क मोड, और मुझे बहुत पसंद है डार्क मोड, मैं ज़्यादातर फ़ोन में डार्क मोड ही यूज करता हूँ, लेकिन अभी दिखाने के लिए यहाँ पे व्हाइट मोड रखा गया है, तो ये किया है। उसके बाद आई कंफर्ट, आई कंफर्ट आपको क्या चाहिए, अगर मान लीजिए आप रात में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ब्राइटनेस में अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए अगर आप येलो कलर का शेड चाहिए तो आप आई कंफर्ट ऑन कर देना,
येलो कलर का शेड आ जाएगा, तो थोड़ा ब्राइट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद कलर कंट्रास्ट ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कलर कंट्रास्ट में आप यहाँ पे ये सब कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये चेंज हो गया, उसके बाद इधर ये चेंज हो गया, आपके ऊपर है आपको जिस तरह कलर पसंद है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्ट ट्रिम दी हुई है जो कि स्टैंडर्ड जो कि अभी है, उसके बाद वार्म ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके बाद क्लू जो कि थोड़ा ग्लू नहीं कूल जो कि थोड़ा ब्लूइश की तरह दिखता है, ब्लूइश व्हाइट की तरह देखने को मिलता है, और वार्म में जो आई स्ट्रेस होता है वो यहाँ पे हट जाता है आपके ऊपर, आई के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता उसके लिए, और जो कि है नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड है तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद एडिप्टिव ब्राइटनेस यानी कि ये है ऑटो लाइट जो होता है वो है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन है, ये बेसिकली वही सेम है, और ये ज़्यादा स्टॉक अंडर में एडिटिव ब्राइटनेस होता है, और बाकी ज़्यादा फ़ोन में आपको ऑटो लाइट दिया जाता है वो कि आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वन मोर तो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या रखना है वो आपको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, और कोशिश करूँगा अगर यहाँ पे ऑप्शन हो फॉन्ट चेंज करने की या फिर कोई दूसरा तरीका हो फॉन्ट चेंज करने की तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं कि कैसे इस फोन में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया गया है, नहीं तो मैं बता दें यहाँ पे। और उसके बाद आता है डिस्प्ले साइज यानी कि ये देखिए लेटर जो है कितना बड़ा आप रखना चाहते हैं कितना छोटा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर क्लॉक ये आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद लॉक स्क्रीन ऑप्शन ये सब आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है साउंड, साउंड में आप जानते हैं कॉल सेटिंग का साउंड है, अलार्म का साउंड है, और रिंगटोन का साउंड है, तो सबका साउंड यहाँ पे दिया गया है, या फिर मीडिया वॉल्यूम का उसका भी साउंड है, आप जो चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रिंगटोन सेट करना है तो वो भी उसके लिए भी आपको यहाँ पे आना है, आपको वाइब्रेट ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए फोन रिंगटोन सिम वन सिम टू के लिए दिया गया है, ये बाय डिफॉल्ट वाला है, आप चाहे इसको जो चाहे रिंगटोन यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं, तो रिंगटोन के लिए साउंड में आना पड़ेगा। उसके बाद स्टोरेज है, 64 GB से यहाँ पे 20.27 GB यूज हुआ है और बाकी यहाँ पे खाली है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कंट्रोल आ जाता है, स्मार्ट कंट्रोल में आपको ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पॉकेट मोड, स्मार्ट मोशन, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक जो ज़्यादा फेमस वाला है वो है लिफ्ट टू चेक फोन, यानी कि जैसे आप इस तरह करेंगे तो ये ऑन हो जाता है और चेक हो जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्राइवेसी मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, प्राइवेसी मोड में आप ये सब सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटोफिल सर्विस दिया गया, मतलब अगर आप क्रोम वगैरह यूज करें या फिर कोई भी ऐप यूज करें तो वहाँ पे देखना, जैसे आप कुछ टाइप करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक, जैसे कि नाम टाइप करेंगे तो उसके बाद एड्रेस के लिए अगर वहाँ पे बॉक्स होगा तो ऑटोफिल हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे होता है। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड एड्रेस वगैरह का ऑटोफिल रख सकते हैं, जैसे कि आप वन क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सब फिल हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सो पासवर्ड का सेटिंग भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब आपको प्राइवेसी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है लोकेशन और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पैडल लॉक में कि कैसे कहाँ पे क्या कुछ होता है, तो फाइंड माय डिवाइस यहाँ पे ऑन है और ये ज़्यादातर फोन में बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। उसके बाद स्क्रीन लॉक करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट देना है तो वो भी कर सकते हैं, फेस लॉक करना है तो फेस अनलॉक, फेस लॉक या फिर जो भी है तो वो करना है, तो यानी कि फेस से अगर आप फोन खोलना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट लॉक, स्मार्ट लॉक क्या होता है बेसिकली अगर आप बैंड वगैरह पहनते हैं या फिर ओके गूगल का सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ये फीचर काम करता है स्मार्ट बैंड में, मी बैंड हो गया, रियलमी का बैंड हो गया, तो उससे डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं फोन को, तो उसके लिए यहाँ पे ये स्मार्ट लॉक फीचर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैटरी, बैटरी में 86% है और एक्सट्रीम बैटरी का वीडियो भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, मैं ऑलरेडी शूट तो कर दिया हूँ मतलब उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुका हूँ और वीडियो बनाना बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देना, वो वीडियो भी आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अल्ट्रा सेविंग मोड देखने को मिल जाता है और कौन सा ऐप स्टैंडर्ड में ऑप्टिमाइज है क्या है ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और लास्ट फुल चार्ज दिखा रहा है 13 आवर्स एगो, तो ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद डिजिटल मेमोरी एंड पेरेंट कंट्रोल, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप किड्स को फोन दिए हैं तो क्या कुछ वो यूज कर रहे हैं, कितना टाइम तक यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप यूट्यूब का ऐप वहाँ पे है तो यूट्यूब कितना टाइम तक वो देख रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर दूसरा भी ऐप कोई यूज कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पे डिजिटल मेमोरी टूल में आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं कितना ऐप कितना टाइम आप खुद यूज कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद आता है सिस्टम,
सिस्टम में ये आपको मिल जाता है। लैंग्वेज इनपुट यानी कि कीबोर्ड सेट करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं लैंग्वेज इनपुट में जाके। कोई दूसरा वाला कीबोर्ड आपको पसंद है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकअप, बैकअप करना है तो वो भी ऑन है यहाँ पे, आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं। नेविगेशन बार आ जाता है यहाँ पे, नेविगेशन बार सेटिंग यानी कि ये जो नीचे का है किस तरह का आप चाहिए। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो ये देखिए चेंज हो गया, अगर आपको इस तरह चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला रख देता हूँ, तो किस तरह का चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे रीसेट ऑप्शन मिल जाता है, ये आप यूज में ला सकते हैं। अगर आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना है, ज़्यादा हैंग हो रहा है फ़ोन, ज़्यादा ऐप डाउनलोड कर दिए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ध्यान रखिए यहाँ पे मिलता है सिस्टम में मिलता है आपको रीसेट ऑप्शन, यहाँ पे जाना है और इरेज ऑल डाटा जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोन फुल फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, और यहाँ पे रीसेट ऐप प्रेफरेंस है, अगर बहुत सारे ऐप ऑन किए हैं तो आप यहाँ से भी आकर रीसेट ऐप कर देते हैं तो पूरा ऐप सब क्लिक हो जाएगा, यानी डिलीट नहीं होगा, लेकिन वो अगर बैकग्राउंड में ऑपरेट हो रहे होंगे तो वो यहाँ पर रीसेट हो जाएंगे। और यहाँ पे रिसेट वाईफाई मोबाइल भी है, अगर रिसेट मार देंगे तो जितने भी आप वाईफाई कनेक्ट हुआ होगा या फिर सेव किए होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर बेसिकली क्या है, अगर आप एक फ़ोन किसी कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं और शिफ्ट बाय वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे, मान लीजिए 9 से 6 कोई काम कर रहा है, 6 से रात के लिए कोई काम कर रहा है, तो अगर एक फ़ोन आप यूज में दे रहे हैं उनको तो आप दो दो यूजर, तीन तीन यूजर कर सकते हैं और वो बारी बारी के उनके हिसाब से, उनका यूजर के हिसाब से वो फ़ोन को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली उसी तरह का ये काम है, जैसे कि ऑफिस वगैरह में एक ही सिस्टम होता है लेकिन 2-3 शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनका यूजर होता है, उसी तरह ये काम करता है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो यहाँ पे ये चेक करके दिखा देगा। उसके बाद है अबाउट फोन सेक्शन, अबाउट फोन सेक्शन में ऑलरेडी दिखा दिया था अनबॉक्सिंग के टाइम में क्या कुछ फोन में देखने को मिलता है, 4GB यूनिसेक का प्रोसेसर है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जैसे बताया कि रियलमी UI का R एडिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो स्पेशल रियलमी UI यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अकाउंट गूगल, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए, देखो फोन कब ऑफ होगा कब ऑन होगा उसका शेड्यूल करना चाहते हैं या फिर शेड्यूल करना चाहते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रहता है एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी यहाँ पे फोन साइज दिया गया है, डार्क थीम वही बेसिकली जो डिस्प्ले में दिया गया था वो आपको यहाँ पे ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था दोस्तों रियलमी का C21Y को अगर यूज करना है तो क्या कुछ आप करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आप पहली बार फोन यूज कर रहे हैं तो क्या कुछ आपको जानना चाहिए फोन के बारे में वो आपको यहाँ पे बेसिकली मैं दिखा दी। यहाँ पे कोई हिडन टिप्स वगैरह नहीं है, ट्रिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, जो आपको फोन को पहली बार यूज करने में चाहिए, जानने का जरूरत है, वो आपको यहाँ पे इस वीडियो देख के हेल्पफुल हो गया होगा। और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं इस वीडियो खत्म करने से पहले कि यहाँ पे क्योंकि रियलमी का जो बाकी फोन है वहाँ पे आपको गैलरी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको फोटोज मिलता है जो कि स्टॉक फोटो है। गूगल अगर स्टॉक एंड्रॉइड आप यूज करते तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है, तो यही आपका गैलरी है। अगर आपको बाकी पहले से रियलमी फोन यूज किए हैं तो वहाँ पे क्या होता है गैलरी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि MIUI में मिलता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में ज्यादातर वो सब नहीं होता है। और यहाँ पे ज्यादा से कोशिश किया गया स्टॉक एंड्रॉइड रखने के लिए, तो यहाँ पे आपको फोटोज का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा आपको गैलरी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे कीप नोट का भी फीचर है, ये तो गूगल का है, यहाँ पे कीप नोट का भी फीचर है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट गूगल के साथ ही आता है। यहाँ पे जो भी आप सेव करेंगे आपका जो मेल आईडी वगैरह होगा वहाँ पे भी आप डायरेक्ट यहाँ पे बैकअप रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों आपको बताने के लिए, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से नीचे से ले सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ऑप्शन आ रहा है। और कोई ऐप चाहे तो आप सिंपली यहाँ पे इस तरह करेंगे तो लॉक भी हो जाएगी, ये देखिए लॉक हो गया और ये अभी रिमूव नहीं होगा, और इसको वापस इस तरह खींच देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लॉक का ऑप्शन हट गया है, तो ये आराम से रिमूव हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे फीचर्स था, और आई होप अब मैं सब कवर कर चुका हूँ, जो कि आपको पहली बार अगर फोन यूज करेंगे इस फोन को तो आप हेल्प में ला सकते हैं कि किस तरह सेटिंग में क्या कुछ करना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, और ये वीडियो के थ्रू जैसे बताया कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया इस फोन के बारे में और कुछ आपका हेल्प भी हो गया है तो जरूर से भाई लाइक कर देना, नीचे लाइक बटन है जरूर से लाइक दबा देना। और इस फोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। और एक जो सबसे जरूरी बात है वो है मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।